एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। टाइटल में तो आपने पढ़ा ही होगा, मैं कब से वेट कर रही थी कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो ये वीडियो बहुत ही क्यूट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो मैंने अपनी बेबी के लिए कैसे उसका कॉट रेडी किया है, कौन सा कॉट लिया है, क्या क्या चीजें उसमें मैं यूज करने वाली हूँ, कहाँ पे उसको फिट करने वाली हूँ, वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, कोशिश करूंगी उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एक एक चीज मैंने खुद से खरीदी है A to Z और बहुत ही प्यार से रिसर्च करके मैंने लिया है, धीरे धीरे करके। बहुत सारी चीजों को तो मैंने व्लॉग में भी दिखाया है आपको, तो अगर आप व्लॉग फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो मेरे बहुत ही दिल के करीब ये वीडियो है और मैं आशा करती हूँ जब आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो ऑलरेडी मेरा 37th वीक बस स्टार्ट ही होने वाला है और बहुत ही जल्द हो सकता है डिलीवरी हो जाए, अगले हफ्ते हो जाए, उसके अगले हफ्ते हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, आप समझ ही सकते हो। बहुत ही क्रूशियल सा ये टाइम है, पर उतना ज्यादा मैं एक्साइटेड भी हूं। जो होगा आगे तो आप देखोगे। फिलहाल चलिए इस वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए मैंने कैसे सजाया है। मेरा मास्टर बेडरूम बहुत छोटा है आपको पता है, पर फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं एक ऐसा कॉट लूं जिसमें कि मैं बेबी के साथ को स्लीप कर सकूं, वो भी कंफर्टेबल रहे और हम भी कंफर्टेबल रहे और अच्छे से हो जाए। इंस्टॉलेशन हो गई है और कुछ ऐसा दिख रहा है ये कॉट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी भी इसकी एंड प्राइस भी रीजनेबल था। ये मुझे पड़ा लगभग 7000 रुपीज़ का, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। साइज़ के हिसाब से हमें यही वाला अच्छा लगा क्योंकि हमारा रूम छोटा है तो और कुछ फिट आता नहीं, तो बस एक यही ऑप्शन था। तो ऊपर में यहाँ पर देखिए मॉस्किटो नेट लगाने के लिए भी दिया हुआ है और साथ में इसके ये प्री स्टिच्ड आया है पोर्शन जहाँ पे आपको बेस क्रिएट करना है इसके थ्रू। ये एकदम हार्ड सरफेस वाला है, इसमें गद्दा नहीं है, बस इसको स्टिच कर दिया गया है ताकि आप इसको बेस बना सके। इसके ऊपर आपको फिर गद्दा लगाना पड़ेगा ताकि सॉफ्टनेस आ सके। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बेबी के लिए ये सेफ है जो ये वुड यूज़ किया गया है। और देखिए को स्लीपिंग के लिए आपको इस वाले पल्ले को नीचे कर देना है, तो ये मेन रीज़न था हमारा ये वाला कॉट सिलेक्ट करने का कि हम इसको अपने बेड से अटैच कर सके। तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको नीचे गिरा के अटैच कर लो। ये जो आप देख रहे हो फोम, ये हमने कस्टम मेड बनवाया है, थोड़ा सा हमने हार्ड फोम चूज़ किया है। फिर इसके ऊपर गद्दा हम डाल देंगे। जो ऑनलाइन हमें मिल रहा था सारे ही मैट्रेस जो थे वो मेमोरी फोम वाले थे जो हमें सही नहीं लग रहा था। ये थोड़ा सा कड़क सा है तो ये अच्छा रहेगा, तो हमने इसको मेजरमेंट ले के कट करवा के बाहर से हम ले करके आ गए। अब इस फोम के ऊपर में मैं ये वाला ड्राई शीट लगाने जा रही हूँ। ये काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राई शीट है, आप चाहो तो इसे कट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो कॉट में बेसिकली मैं दो ड्राई शीट यूज़ करूँगी, एक आ जाएगा इस फोम के ऊपर और फिर एक आ जाएगा मैट्रेस जो यूज़ होगा उसके ऊपर। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से डाल दिया है, बहुत सुंदर दिखता है। ऐसे भी आप रखो ना तो देखिए अच्छा ही लग रहा है, बेडशीट टाइप इसकी लुक आ रही है। अब बेडशीट के लिए मैंने सारे ही फिटेड बेडशीट लिए हैं, वैसे कॉट के लिए फिटेड बेडशीट ही आते हैं जितना भी मैंने देखा। तो मैंने जो थीम रखा है उसका थीम के हिसाब से ये वाला परफेक्ट जा रहा था कॉट के साथ में। और ये देखिए बेडशीट जो है ये अच्छे से इस तरीके के बैग में आया था जो मुझे बहुत ही थॉटफुल लगा, बहुत ही अच्छा ब्रांड लगा मुझे ये वाला। तो देखिए इसको मैंने बिछा दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक आना स्टार्ट हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है दूर से अभी ये कॉट। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है, बेबी के स्किन के लिए अच्छा है, आप मशीन में वॉश कर सकते हो, मशीन में इसको आप ड्राई कर सकते हो। और जो मैंने मस्टर्ड पिलो लिया है, राय का पिलो, वो भी मैंने देखिए मैच करके लिया है, जबकि मैंने ये दूसरे ब्रांड का लिया है पर मैंने कोशिश करी है कि मैच हो जाए। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा है, इसके अंदर पूरा मस्टर्ड भरा रहता है। अगर आपको बेनिफिट्स नहीं पता है इसके तो आप एक बार गूगल करिएगा, अच्छा रहता है बेबी के हेड के लिए। तो ये वाला देखिए मैच भी हो रहा है बेडशीट के साथ में और अच्छा भी जा रहा है। वैसे इस बेडशीट के साथ और भी पिलोज आए हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए नेट आया है एक कॉट के साथ में जो कि ऑफ कोर्स ज़रूरी है, तो ये वाला नेट को ऊपर मैंने फिक्स कर दिया और अब थोड़ा थोड़ा लुक आना स्टार्ट हो गया है। ड्रीमी सा कॉट का नेट लगते ही ना बहुत इन्हेंस हो गया है लुक।
मोबाइल नर्सरी में मैंने ये पर्टिकुलर चूज़ किया है क्योंकि छोटे बेबीज़ को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स विजिबल होते हैं, तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं उसी कलर में लूँ, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो मटेरियल है ना, ये भी एकदम सॉफ्ट सा मटेरियल है, प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, एंड ओवरऑल थीम पर भी अच्छा जाता है, एंड बेबी के लिए विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी रहेगी। और भी ज़्यादा ब्लैक होता अगर वो ग्रे वाला स्टार्स तो थोड़ा ठीक लगता, पर कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, सूदिंग सा लग रहा है। तो ये डालते देखिए लुक कितना इन्हेंस हो गया है क्रिप का, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है वो होने वाला है इसके ऊपर मैं बिछाने वाली हूँ मैट्रेस, जो मैंने आपको कहा कि एक मैट्रेस रहेगा ताकि सॉफ्ट लेयर बेबी के लिए क्रिएट हो जाए। तो जिस ब्रांड का बेडशीट है उसी ब्रांड का मैंने ये मैट्रेस सेट भी ले रखा है, कॉटन का ये मैट्रेस सेट है, एंड 2-in-1 यूज़ कर सकते हो आप। तो इससे मैच करता हुआ मैंने एक बेडशीट और ले लिया, क्योंकि ऑफकोर्स आपको 2-3 बेडशीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ये मैंने एक्स्ट्रा बेडशीट भी लिया है। तो दोनों बेडशीट मैंने सेपरेट लिया है, और ये वाला जो मैट्रेस है ये सेपरेट आपको आता है, सबका लिंक दिया है, आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। तो देखिए मैच भी कर रहा है इसे, दोनों ही बिछाया जाए तो अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर डाल दिया, मैंने मेजरमेंट देख के लिया है ताकि परफेक्ट आ जाए। तो देखिए कितना सुंदर मैचिंग लग रहा है। और ये जो मैट्रेस है ना, इसको उठा के आप बेड पे भी रख सकते हो, तो अगर बेड पे रखा हो तो भी आपका कॉट दिखने में सुंदर लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बेडशीट डाल रखी है। तो बेबीज़ के लिए ना सबसे अच्छा रहता है पेस्टल शेड्स में, अगर आप शॉप करते हो तो उनके लिए बहुत ही सूदिंग रहेगा, कामिंग रहेगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट भी है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ टच करके, कि नीचे बेस स्ट्रॉन्ग भी आ गई कॉट की, और ऊपर जो गद्दा है वो सॉफ्ट भी है। और यहाँ पे देखिए इस वाले पिलो के लिए इन लोगों ने टाइस भी दिया हुआ है, ताकि बेबी अगर हाथ पैर मारे तो वो गिर ना जाए नीचे, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत थॉटफुल लगी। तो आप इसको इस तरीके से टाई कर दो तो वो जगह पर इंटैक्ट रहेगा। तो इस मैट्रेस सेट के साथ देखिए ये 2 पिलोज़ आए हुए हैं, तो ये वाला मस्टर्ड पिलो नहीं है, पर फिर भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मैं सोच रही हूँ एज ए प्रोटेक्शन इसको यूज़ कर लूँगी। तो जो मैंने मस्टर्ड पिलो लिया हुआ है वो देखिए मैंने काफ़ी हद तक मैच किया है कलर इससे, जबकि दोनों अलग ब्रांड्स के हैं, पर अच्छे से मैच कर लिया ताकि दोनों ही लगे कि हाँ साथ में ही आए हैं। तो ओवरऑल देखिए प्रोटेक्शन के लिए वो पिलोज़ मैं यूज़ करूँगी, और ऐसा दिख रहा है क्रिब, अभी ऑलमोस्ट फाइनल लुक इसका आ रहा है, और जैसे जैसे इसका लुक आता जा रहा है फाइनल, वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ मैंने अलग अलग हैंड पिक करी है और साथ में इंटीग्रेट किया ताकि प्यारा लगे। ब्लैंकेट के लिए मैंने सिलेक्ट किया है 2-layer कॉटन मसलिन ब्लैंकेट, और ये मैंने 2 सेट में लिया हुआ है, एक गंदा हो तो मैं दूसरा भी यूज़ कर सकती हूँ, मैंने व्लॉग्स में डिटेल में दिखाया है। तो बड़ा अच्छा ये मसलिन ब्लैंकेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, एंड कोशिश करी है कि थोड़ा बहुत अगेन कॉट के जो डिज़ाइन है उससे चल जाए, थोड़ा मैच हो जाए, क्योंकि मैं एनिमल प्रिंट का डिज़ाइन रखा है, तो मैंने इसमें भी वही वाला सिलेक्ट किया है, तो ये भी रख दिया, एंड ओवरऑल ये भी मैच कर रहा है। कॉट के डेकोर के लिए मैंने ये प्यारा सा कुशन लिया है मिल्क लिखा हुआ, बड़ा ही यूनिक लगा मुझे, बहुत ही प्यारा सा लगा, एंड कॉट में जब तक सॉफ्ट टॉयज ना हो तो फिर कैसे कंप्लीट लुक आ सकता है। एंड एक और मेरे पास ब्लैंकेट है, 2 मैंने कॉटन के रखे हैं, एक ये वाला भी रखा है, ये वाला जो है ब्लैंकेट ये निटेड है, तो जब थोड़ा विंटर आएगा तब ये काम आएगा, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये भी देखिए बहुत ही प्यारा सा है, एंड अगेन इसका भी जो पेस्टल शेड्स है, थोड़ा सा इसमें डार्क कलर भी है, पर ओवरऑल जो है कॉट के थीम से ये भी जाएगा। तो मैंने इस तरीके से एक और ब्लैंकेट भी रखा है, एंड ये देखिए फाइनल लुक कॉट का। तो कॉट की ये है फाइनल प्लेसमेंट, ये हमारे बेड से इस तरीके से अटैच रहने वाला है। हमारा मास्टर बेडरूम बहुत ही छोटा है, तो इसमें हमें जो भी चीज़ें रखनी है ना, बड़ी सोच समझ के रखनी है कि काम में भी आ जाए, हैवीनेस भी ना आए, चलने फिरने की भी थोड़ी सी जगह रह जाए। तो देखिए हमने हाइट इसीलिए इतना एलिवेट किया कॉट का, मैट्रेस वगैरह डाल के, ताकि हमारे बेड से एकदम ये मैच कर जाए। हमारा जो मैट्रेस है वो 8 इंच का मैट्रेस है, तो को स्लीप करने में इजीनेस होगी, बिल्कुल लेवल जो है देखिए उस मैट्रेस का हमारे मैट्रेस से मैच कर जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है इमीडिएटली वो सब चीज़ों का मैंने इंतजाम कर लिया है। रूम में हम कैसे इसको फिट कर रहे हैं वो तो आपने देख ही लिया। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज का ये कॉट आया है, इससे थोड़ा भी बड़ा होता तो हमारे रूम में फिट नहीं आता, आपने देखा कितना स्पेस कम है। तो अभी के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम ये वाला कॉट लें।
आगे क्या होगा जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें फिट नहीं होगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा, पर फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे किस तरीके से कुछ एक हो जो बेड के साथ जुड़ जाए, क्योंकि बिल्कुल नया नया बेबी होगा, मैं भी सीख रही हूंगी, हम भी अवेयर रहेंगे कि बेबी हमारे आसपास है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे हम लोग को स्लीप करेंगे, तो ये सेफ ऑप्शन लगता है। भले वो 2 महीने के लिए ही यूज हो कॉट, 3 महीने के लिए ही यूज हो, मेरे लिए काफी है, पर स्टार्टिंग में ना एक मेंटली हो जाता है कि हाँ आपको बेबी के साथ सोने की भी आदत हो गई और बेबी भी थोड़ा बड़ा हो गया तो आपको उतना भी डर नहीं है कि आपका हाथ ना लग जाए कुछ ना हो जाए, तो सब कुछ सोच समझ के हमने ये वाला लिया और हमें अच्छा लगा और उसको डेकोरेट तो किया ही किया। सभी चीजों का लिंक जैसा मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।